मौजूद हैं नफीस फलूदा पे अल मशहूर मोहम्मद बहुत ज़्यादा और पे और हमारे लोग आपके सामने नजर आ रहे हैं। तो अभी हम अंदर चलेंगे और मेकिंग आपको दिखाएंगे और बातचीत करेंगे इनके ऑनर से कि क्या इस पे हाल है, कैसे है मदद का, किस वजह से ये मशहूर है इस मार्केट में और लोग और हम लोग क्यों इनके पास हैं। मैं तो इस वजह से आया हूँ क्योंकि मुझे कज़न ने रिकमेंड किया है और मैंने पहले भी खाया हुआ है कसूर पड़े तो आपके अच्छे साथ चक्कर लगा तो ज़रूर मैं ट्राई करूँ। आप लोगों ने बड़ी जगह आए होंगे सर, बीच कसूर में मेन मार्केट में आप मौजूद हैं और इसके साथ आपको देख कर आगे बता रहे हैं कि क्या मज़ेदार फलूदा की स्पेशलिटी है। जगहों से फलूदा खाया होगा, असल में जो मशहूर तरीन जगह पर आया फलूदा वो सिर्फ कसूर ही कहलाता है क्योंकि ये स्पेशलिटी सिर्फ कसूर को ही हासिल है। अलैकुम जनाब, क्या हाल है जनाब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद आसिम। आसिम साहब, आसिम साहब हम आपकी दुकान पे दूसरी तीसरी बार आए हैं लेकिन हम आपसे ये पूछ लेंगे कि फलूदा मशहूर है लेकिन इस पूरी मार्केट में ऐसी क्या चीज़ है जो कि फलूदे में आपको यूनिक बनाती है? फलूदे में जो हमारी एक आप हमारे पास आए हैं जो फलूदे ब्रांचें तो बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास लोग बाजार पर चल के इसलिए आते हैं कि यहाँ पर चीज़ की क्वालिटी एक नंबर है, दूध का एक नंबर है, जो रबड़ी टेस्ट है वो एक नंबर है। लोग दूर दूर से आते हैं ईद के इतना दिन बादशाह हमारे पास लोग काफ़ी आए हैं तो दूध की एक क्वालिटी की वजह से आए हैं, एक लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे इसीलिए कि यहाँ पे चीज़ अच्छी मिलती है। मटके का क्या सीन है? क्योंकि मटके का ये सीन है, मटके में लोग फलूदा अपने घरों के लिए पैक करवा के लेके जाते हैं। मटके के अंदर? मटके के अंदर, वैसे तो शॉपर बैग में भी पैक होता है तो वैसे एक मटके में चीज़ लगे दूर की सौगात है, लस्सी ठंडी रहती है, लस्सी ठंडी रहती है और एक सौगात है जी। अच्छा आसिम भाई ये बताइएगा कि ये कितनी पुरानी दुकान है आपकी नफीस फलूदे वाला? ये नफीस फलूदा हमारा शुरू हुआ 38 ठीक है। और आपकी ये वालिद ने शुरू किया? पहले हमारे एक दादाबू ने शुरू की थी। अच्छा, उसके बाद हमारे हमारा साहब ने शुरू की, उसके बाद हम बैठे हुए हैं, हमारी दूसरी दुनिया बैठे हुए हैं। अच्छा, अपना रेंज करते हैं, हम अपना ही बनाते हैं, हर चीज़ हमारी अपनी तैयारी है, दूध वगैरह आपका दूध भी, सेवियाँ भी, शीरा भी, बर्फ भी, उनके बारे कुछ भी अपनी तौर पर है, तो साफ कोई भी नहीं है। ये एक ऊपर वाला हॉल है जो कि फैमिली हॉल भी कहलाता है और नफीस फलूदा बेहतरीन जगह सेटिंग आपके सामने है और ऐसे ही लोग शौकीन भी होते हैं ये वो कहते हैं मुझे वीडियो में ले आए बस। नफीस फलूदा और ये हाय 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 शीरा इसमें शामिल है, सेवियाँ इसमें शामिल है और अभी ये है असल आजमा। ये है शीरा, अगर आपको ज़रा अगर मीठा चाहिए ये हमें पकड़ा के गए हैं और ये तो ऐसे के लग रहा है जैसे मेन्यू कम है और डिक्शनरी की बुक लग रही है ज़्यादा। ये सारे रेट्स हैं मेन्यू के, वैसे हम ऑलरेडी करवा चुके हैं ऑर्डर तो आती है तो हम देखते हैं। अरे जी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं मशहूर तरीन जगह पे, ड्राइवर होटल कसूर, दो ब्रांचेज हैं इनकी आमने सामने। यहाँ पे है मछली की सौगात
और यहाँ पे है बारबेक्यू एंड अदर थिंग्स। तो उधर अंदर चलते हैं और चेक करते हैं क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब क्या हाल है? ठीक है। कितने अरसे से यहाँ पे? यहाँ 5 साल से माशाल्लाह। तो ये ड्राइवर होटल की क्या खास बात है जो कि यहाँ पे लोग आते हैं खाने के लिए? जायका और म्यार कितनी देर पुरानी है ये होटल? 40 साल चालीस से ऊपर है माशाल्लाह। ये बारबेक्यू तैयार कर रहे हैं। ड्राइवर होटल के मौजूद हैं और हम लोग अभी स्पेशल चीज़ है वो करवाने लगे हैं और वो है रेशमी कबाब जो कि बड़ा मशहूर तरीन है ड्राइवर होटल का। वो 320 रुपये का है। अभी ऑर्डर तो हमने करवा दिया है। अभी हम क्या करते हैं, अगर जाके बैठते हैं ऑर्डर आता तो हम लोग आके आप बोलते हैं। जी हमारे पास आ चुका है हमारे पास रेशमी कबाब और ये ड्राइवर होटल की मशहूर स्वाद। अगर अभी खा के चेक करते हैं कैसा है। दरअसल नान खा के ना तो बड़े दिन गुजर गए थे, तो हमने रोटी नहीं खाई थी। हमने सोचा आज रोटी मंगा लेते हैं, खा के देखते। जी खोया साहब कैसा लगा आपको? कमाल का टेस्ट है, कमाल का। क्या बात है, ये जी रेशमी कबाब ड्राइवर होटल कसूर का। तो हमने भी टेस्ट कर लिया है, क्या लजीज किस्म है। अब हमने इस फ्राइड का टेस्ट करते हैं। जो है ना वो रेशमी कबाब का जो रेटिंग के साथ उसने डबल मजा करवा दिया। क्या बात है।